जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ अन्नपूर्णे। आज के इस पावन ज्ञान के बिंदुओं में मैं आपको एक अनुपम ज्ञान का बिंदु फिर लेके आया हूँ, मोती लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ में ही हमारे चैनल आचार्य जिनेन्द्र कटारा, जो चैनल हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, अर्थात संपूर्ण जगत के हित के लिए, संपूर्ण जो लोगों के मंगल के लिए बनाया है, ज्ञान का यज्ञ इसके माध्यम से हम सबको बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग बड़ा सहर्षपूर्वक हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमारे ज्ञान के बिंदुओं को। जैसा कि आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपकी व्यूज आती है, उससे मैं बड़ी हृदय में एक हर्ष और उल्लास होता है। उसी बिंदु में आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। हमारे वैसे तो मानव जीवन में सनातन धर्म में 33 करोड़ के देवी देवताओं का वर्णन आता है। इस बारे में पुनः मैं कभी आपको चर्चा करूंगा कि 33 कोटि है या 33 करोड़ है। कोटि माने प्रकार और करोड़ माने संख्या, इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। अभी मैं सिर्फ ऐसा करता हूं, जो बता रहा हूं आज के बारे में, कि अनेक देवी देवताओं की उपासना से मानव जीवन को सुनिश्चित रूप से एक अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसमें ना कोई संदेह है और ना कोई संदेह करना चाहिए। किंतु हम कभी कभी उन आवश्यक विधाओं को, आवश्यक बिंदुओं को, अत्यंत चीज़ों जो हमारे जीवन में अत्यंत अनपूर्ण महत्वपूर्ण है, ऐसी चीज़ों को हम दरकिनार कर देते हैं या उनको अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसी श्रृंखला में माता अन्नपूर्णे, जो कि माता अन्नपूर्णे कौन है? माँ अन्नपूर्णे पार्वती का ही स्वरूप है, भगवान शिव की अर्धांगिनी का रूप है। लेकिन उस जगत को पालन करने का, संपूर्ण संसार के प्रत्येक जीव आत्मा को भोजन देने का उनका एक सेवा दी गई है। परमपिता परमात्मा ने उनको इस प्रकार की ड्यूटी लगाई गई है, ये उनका सेवा है। यही इतना ही नहीं, जीव संसार के समस्त जड़ और चेतन जो प्रकार के जीव होते हैं, जो हमारे वैदिक शास्त्र कहता है, जड़ कौन है? जो वृक्ष हैं उनको जड़ कहते हैं। मूक कौन है? जो पशु हैं बेचारे, भगवान के ऊपर आधारित रहते हैं। मनुष्य हुए हैं जो समझते हैं, करते हैं, करते और कराते भी हैं। इस प्रकार के जड़, चेतन, मूक, बधिर समस्त जीवों को जो भोजन नित्य प्रति प्रदान करते हैं, ऐसी माँ अन्नपूर्णा को पहले तो हम प्रणाम करते हैं। और दूसरा मैं ये बता दूं, अन्नपूर्णा माँ से प्रातः काल हर देश में, अब आप कहेंगे कहीं पर रात को 12 बजे, यानी कि अमेरिका में, भारत में 10.5 घंटे का अंतर है, यूरोप में और हिंदुस्तान में 4.5 घंटे का, या पता नहीं क्या क्या अंतर है। तो सूर्य उदय का अर्थ है कि जिस देश की भूमि पर सूर्य उदय होता है, उसे पूर्व वेला कहलाती है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे भोलेनाथ अनेक रूप धारण करके प्रत्येक देश में स्थापित माँ अन्नपूर्णा के पास जाते हैं, वहाँ से भिक्षा मांगते हैं। उस भिक्षा में माँ एक दिव्य भोजन प्रदान करती हैं, दिव्य अन्न प्रदान करती हैं, जो प्रत्येक प्राणियों के भोजन के योग्य होता है, वह स्वतः ही दिव्य होता है, ऐसा देती हैं। उस भोजन से संपूर्ण संसार का पालन होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है और आपने भी जरूर सुना होगा। तो इसका एक हमारा दिव्य मंत्र है, उस दिव्य मंत्र को पहले मैं धीरे से बोलता हूँ, आप इसे याद करें, एक बार, दो बार, पांच बार रोज गुनगुनाएं। और उन देवियों के लिए मैं खास तौर से कहूँगा जो गृहिणी भोजन बनवाती हैं, खड़े होके अथवा स्वयं अपने परिवारजनों को भोजन परोसती हैं, परिवारजनों का भरण पोषण का पूरा ध्यान रखती हैं, उनको ये साधना अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है और देखा गया है हमने आँखों से, समय कम होने कारण उन सब घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कुछ संतों को अन्नपूर्णा माँ की सिद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों का भोजन, 100 व्यक्तियों को भोजन कराते हुए हमने आँखों से ऐसी दिव्य विभूतियों को देखा है। 100 व्यक्तियों का भोजन, 10,000 व्यक्तियों को भोजन कराते देखा है, भोजन कम नहीं पड़ता। ऐसी माँ अन्नपूर्णा की कृपा होनी चाहिए। आपके घर में भोजन बनता है,
नित्य बनता है, तीन टाइम बनता है, कभी चार टाइम भी बनता होगा। अगर आपके भोजन बनने के बाद अचानक दो या चार कुछ मेहमान आ जाएं, तो अन्नपूर्णा माँ की ऐसी कृपा रहनी चाहिए कि ना आपको हड़बड़ी की ज़रूरत है, जो कुछ घर में भोजन बना है उसी में कुछ और प्लस करने के बाद उस संपूर्ण संतुष्ट होकर के भोजन करने के बाद जाएं। ऐसा दिव्य प्रयोग, दिव्य मंत्र, दिव्य विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं माँ अन्नपूर्णा का मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान भोलेनाथ इस मंत्र के माध्यम से नित्य प्रति माँ अन्नपूर्णा के समक्ष जो पार्वती का ही स्वरूप है, त्रिलोकाधीश्वरी का स्वरूप है, संपूर्ण संसार की स्वामिनी का स्वरूप है, उनसे भिक्षा मांगते हैं कि संपूर्ण प्राणियों को आज भोजन प्रदान करने की शक्ति कृपा करें। तो अन्नपूर्णे, जो सदा पूर्णे, सदैव पूर्ण है, वो कभी अपूर्ण ना थी, ना है, ना कभी होंगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर की जो प्राणों की वल्लभा हैं, उनकी अल्लादनी शक्ति हैं, उनके जीवन में सुख देने वाली हैं, संपूर्ण संसार का संचालन करने वाली हैं। शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य, संसार में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इनके बारे में मैं चर्चा करूँगा वक्त आने पर। उनकी रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन में संपूर्ण प्राणियों के जड़ चेतन एवं मूक बधिर जीव जंतुओं के भोजन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए माँ भगवती आप इस पात्र में भिक्षा दो। माँ अन्नपूर्णा का अक्षय पात्र होता है, उसमें से माँ एक पात्र में और अपने पात्र से इसे चम्मच कह सकते हैं, जिससे शुरू करते हैं, उसके द्वारा माँ उनके भगवान भोलेनाथ की झोली में एक पात्र डालती हूँ, अनंत 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 कोटि गुना हो जाता है। संपूर्ण दुनिया में व्यवस्था हो जाती है सूर्य की पहली किरण आने से पहले, किसके आज किस प्राणी को किस समय पर क्या भोजन मिलेगा। जैसा कि आपने सुना है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये सत्य है। इसके बारे में समय समय पर आपको बड़ी सुखद रोचक लघु कथाओं के साथ, दृष्टांतों के साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताएंगे। और इस मंत्र को याद कर लें, आप जब नेट पर जाओगे या बाजार में जाएंगे तो बड़ा दिव्य सुंदर चित्र भी होता है, जिसमें माँ अन्नपूर्णा भगवान श्री भोलेनाथ को भिक्षा देती हुई हैं। ऐसा चित्र हमने हमारे संस्थान के तत्वावधान में बनवाया था, काफ़ी लोगों को बांटा है, कुछ उसके शेष भाग अभी भी हैं, आवश्यकता होने पर लोगों को हम वितरण करते रहते हैं। उस चित्र को अपनी रसोई में जरूर लगा दें। ध्यान केवल एक ही रहे, उस चित्र का फेस मुखारविंद साउथ दिशा में ना हो, बाकी पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, कहीं भी उनका मुख हो सकता है। ऐसी माँ अन्नपूर्णा की आराधना करें। इस मंत्र को पुनः एक बार मैं बोलना चाहूँगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिख भी देंगे, आप इसको याद करें और याद करके दो चार पांच बार जरूर बोलें। तो मेरा दावा है, जीवन में कभी आपको ऐसी अवस्था नहीं होगी जहाँ आपको भोजन प्राप्त ना हो। विलम्ब हो सकता है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन भोजन आपको माँ भगवती अन्नपूर्णा आजीवन आपको प्रदान करेंगी, क्योंकि भोजन ही तो हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, उनकी बातों में बड़ा सार था कि जिस किसी व्यक्ति को भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये तो एक बड़ी गौड़ बात है, फिर भी जीवन चल रहा है। लेकिन अन्न अगर भोजन किसी को नहीं मिलेगा, क्या वो चल पाएगा? दो दिन, चार दिन, सात दिन, इससे ज़्यादा कहाँ चलेगा? अंत में उसके प्राण पखेरु जा सकते हैं। तो ऐसी माँ अन्नपूर्णा की साधना, ऐसी माँ अन्नपूर्णा के नाम का उच्चारण, ऐसी माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप समय समय पर करें। इसके पूजा के बारे में समय आने पर और भी विधान बताएंगे। पुनः में बड़े धीरे से इस मंत्र का पुनः उच्चारण कर रहा हूँ। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। प्रिय बंधुओं, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे भरोसा है अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छे लगेंगे। फिर भी इस ज्ञान के प्रचार को बांटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे इस ज्ञान का प्रचार बढ़े, ज्ञान यज्ञ बढ़े, तो हमारे आचार्य जैनेन्द्र कटारा जो हमारा चैनल है उसको बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और इसका सुख आपको प्राप्त होता रहे और अन्य अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बांटो क्योंकि बांटने से विद्या बढ़ती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में अनेक है कि सरस्वती तेरे खजाने की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती माँ का जो ज्ञान का खजाना उसकी कितनी बड़ी विशेषता बताई हमारे विद्वानों ने कि सरस्वती तेरे खजाने की है माँ, आपके खजाने का कितना पूरा बात है कि ज्यों खर्चे, जितना हम सरस्वती माँ को याद करेंगे, ज्ञान को याद करेंगे, ज्ञान को बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और यदि हम इसे अपना संपदा समझ करके, निजी संपदा समझ के इसको न बांटेंगे और ना ही इसको हम बार बार प्रयोग करेंगे तो वो विस्मृति हो जाएगी, वो ज्ञान हमारा घट जाएगा। तो ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बाकी लक्ष्मी तो खर्च करेंगे वो कम हो जाती है, ये सरस्वती विद्या जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी और बिन खर्चे घट जाए। बस आज के वीडियो में इतना ही, आपको हम शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।